ताकत वतन की तुमसे है, हिम्मत वतन की तुमसे है, इज्जत वतन की तुमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारे सीने फट जाते चट्टान के। आहा वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। आहा सीना है फौलाद का अपना, फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक। ग्यारह साल ये ग्रुप फोटो तो हो।
यादव साहब आइए, जरा सबने हाथ लगाते हैं आपकी सेवा में एक गीत जो मैं हमेशा प्रस्तुत करता आया हूँ आपकी सेवा में, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरजू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबा को जिस पे तेरी शाम, तुझ आबरू तू ही मेरी जान, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। महाधिवक्ता श्री अजीत सिंह अग्रवाल जी, भाई काजमी जी, टीवी भाई, पाठक जी, साथियों, अधिकारियों और कर्मचारियों, आज़ादी की 98वीं सालगिरह मनाने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह स्वतंत्रता दिवस हर साल हम लोग मनाते हैं, हर साल कुछ न कुछ हम लोग कहते हैं, कुछ वादे करते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर अगला साल आ जाता है, तो इस भूलने की आदत को ही हम सुधार लें, यही हम लोग अगर आज प्रतिज्ञा कर लें कि हमने जो पहले वादे किए थे, तो हम समझते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि अगली स्वतंत्रता दिवस को जब हम लोग पुनः यहां इकट्ठा होंगे और अगर आत्मचिंतन करेंगे तो ये पाएंगे कि हमने कुछ प्रगति की है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अपर महाधिवक्ता महोदय से कि आशीर्वाद स्वरूप दो वचन हम कर्मचारियों को प्रदान करने के बारे में। आदरणीय भाइयों और बहनों, आज ये बड़े खुशी का मौका है कि हम सब जो है इस पर्व पर इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको
ये बताना चाहूँगा कि हम सब जो काजमी साहब, यादव साहब, अग्रवाल साहब, हमारे गवर्नमेंट एडवोकेट साहब, सब जो अपने काम के लिए हम तत्पर हैं कि हम आपको, आप भी हमें सहयोग दीजिएगा और हम आपको हर तरीके का सहयोग देंगे। और कुछ हमें जो टेररिज्म जो फैल रहा है, यहाँ भी जैसे आपने अखबारों में देखा कि बहुत ही टेररिस्ट एक्टिविटीज होने का डर है, तो हमें सबको अपने देश की आज़ादी को बचाने के लिए काम करना है, ताकि हमारा जो ये ताकत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कौम हिंदुस्तानी कौम है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चन हो, क्योंकि हम 18 घंटे 20 घंटे काम करते, कोई ऐसी कौम नहीं है वर्ल्ड की जो इतनी मेहनत करती, तो हम सब मिलके इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए काम करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बारिश हो रही है, मैं चीफ साहब से, बड़े साहब, बड़े भाई विजय मिश्रा साहब, हमारे भाई जी यादव साहब पाठक जी, हमारे कर्मचारीगण और अधिकारीगण, दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आज की आज़ादी को हम सिर्फ एक बात से नाप लें, पिछले 58 सालों में हमने इस देश के प्रति कुछ अपने कर्तव्य के लिए, कुछ अपने अधिकारों के लिए अपनी जागरूकता प्राप्त की थी। उस जागरूकता को कानूनी अधिकारों के रूप में सापेक्ष करने के लिए और उसका पूरा कार्यान्वयन करने के लिए जिस संस्था का नाम है, उस संस्था का नाम है न्यायपालिका, और उससे शायद हम सब जुड़े हैं। तो ऐसे स्थान पर खड़े होने के बाद सबसे ज्यादा अगर हमारी जरूरत है तो हम ये याद कर लें कि ये देश बुनियादी तौर पर जिन आधारों पर खड़ा है वो है प्रजातंत्र, वो है हमारा संविधान, और उसके प्रति अगर हम जागरूक हैं तो उसके लिए हमारी बुनियादी शर्त यह है कि जिस जिस जगह पर, जिस जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, हम अपने कर्तव्यों का पालन वैसे ही करें जैसे कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जिस दिन हम अपने कर्तव्यों का पालन अपने अधिकारों के तरह करने लगेंगे, उस दिन हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आज हम इस बात के लिए एक बार फिर प्रतिज्ञा लें कि हम अगले वर्ष जब मिलें तो शायद हमने आज से कुछ बेहतर काम कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब के आशीर्वचन के बाद संतरे खा रहे गए सेज गॉड विसर्जन। अरे सर सर आइए सर, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे सर जो है तो हमने